हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय गुफेडेक चैनल। दोस्तों, फेसबुक पर स्टोरी नहीं लग रही है। दोस्तों, यहाँ पर फेसबुक पर स्टोरी अपलोड नहीं हो रही है, तो इसका हम लोग प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करने वाले। तो किस तरह से इसका प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। जब भी दोस्तों आप लोग फेसबुक पे चले जाते हैं, देखिए आप लोग क्रिएट स्टोरी पे जैसे क्लिक करते हो और यहाँ पर गैलरी ओपन हो जाती है। जैसे कि एक स्टोरी मैं यहाँ पर ये रखना चाहता हूँ, देखिए ये स्टोरी है, ये स्टोरी को मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ मेरी स्टोरी के ऊपर, और सिंपल मैं यहाँ से शेयर करता हूँ। देखिए यहाँ से मैं शेयर करूँगा तो दोस्तों ये अपलोड होती ही नहीं। चलिए मैं स्टोरी पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आप लोग देखेंगे क्रिएटिंग योर स्टोरी इतना ही दोस्तों यहाँ पर लिख के आ जाता है, लेकिन ये अपलोड नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, इसका प्रॉब्लम हम लोग किस तरह से सॉल्व करने वाले और किस तरह से आप लोग इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सिंपल दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो ये क्रिएटिंग स्टोरी आ रही है, यहाँ पर क्रिएटिंग योर स्टोरी यहाँ पर लिख के जो आ रही है, ये प्रॉब्लम दोस्तों ज़्यादा बड़ा नहीं है। सिंपल दोस्तों, आपको क्या करना है, एक दोस्तों आपको सेटिंग करके लेना है आपके मोबाइल के अंदर। यहाँ पर देखिए, मैं ऊपर से आपको डेटा भी बता देता हूँ, ये देखिए ऊपर से डेटा भी ये ऑन है दोस्तों। तो सिंपल दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, मोबाइल के सेटिंग के अंदर चले जाना है। मोबाइल के सेटिंग के अंदर जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको ऐप्स वाला ऑप्शन देखना है कहाँ पर है। ये देखिए ऐप्स वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सिंपल हमें क्या करना है, ऐप्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ले लेना है। जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है ऐप मैनेजमेंट का। तो सिंपल दोस्तों क्या करना है, ऐप मैनेजमेंट वाले ऑप्शन के पर क्लिक करके ले लेना है। और यहाँ पर दोस्तों सारे जितने भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है वो सारे यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर फेसबुक देखना है, फेसबुक कहाँ पर है आपको मिल जाएगा ऊपर नीचे, नहीं मिलता है ऊपर से आप लोग सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर सर्च कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ से फेसबुक लिख लेता हूँ। देखिए फेसबुक एप्लीकेशन यहाँ पर आ चुका है, और सिंपल दोस्तों हमें क्या करना है, इसे ओपन करके ले लेना है। चलिए ओपन करते, ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। दोस्तों इस तरह से अगर आपके सामने नहीं आ रहा है, इस तरह से सेटिंग आपको नहीं मिल रही है, तो क्या करना है, फेसबुक का जो एप्लीकेशन है पूरा बैक आ जाना है। ये देखिए फेसबुक का जो एप्लीकेशन है, सिंपल इसके ऊपर कुछ देर तक क्लिक करके रखना है, ऑप्शन शो हो जाएंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा ऐप इन्फो का। तो सिंपल दोस्तों क्या करना है, ऐप इन्फो के ऊपर क्लिक करके ले लेना है। चलिए क्लिक करते, तो देखिए ये सेटिंग आ चुकी है, यही सेटिंग हमें चाहिए दोस्तों। यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टोरेज यूज़ का एक ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर स्टोरेज यूज़ के ऊपर हमें क्लिक करके ले लेना है। और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों जो क्लियर कैचा है वो हमें यहाँ से क्लियर कैचा करके ले लेना है। देखिए यहाँ पर क्लियर कैचा मैं करके ले लेता हूँ। क्लियर डेटा करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो सकती है जब भी दोस्तों आप लोग लॉगिन करने जाएंगे तो फिर से आपको फेसबुक का पासवर्ड इंटर करना होता है। बहुत सारे लोगों को फेसबुक का पासवर्ड भी पता नहीं होगा अपने, ना जाने कब आपने फेसबुक यहाँ पर क्रिएट किया होगा। तो सिंपल दोस्तों आपको क्या करना है, क्लियर डेटा नहीं करना है, क्लियर कैचा करके ले लेना है, और सिंपल यहाँ से बैक आ जाना है। इससे कोई आपका यहाँ पर फेसबुक कोई लॉगआउट नहीं होने वाला है क्लियर कैचा से। और दोस्तों एक बात, आपको मोबाइल के सेटिंग में एक बार फिर से जाना है, और आपका मोबाइल का जो नेटवर्क है दोस्तों वो चेक करके लेना है आपको। देखिए यहाँ पर सेटिंग में आने के बाद मोबाइल नेटवर्क का एक ऑप्शन है यहाँ पर, तो सिंपल मोबाइल नेटवर्क के ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद दोस्तों सिम वन सिम टू दोनों यहाँ पर सिम बताया दिया जाएगा। तो दोस्तों सिंपल हमें क्या करना है, इंटरनेट का जो हमारा जो डेटा यहाँ पर वन से चल रहा है या टू से चल रहा है हमें चेक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरा टू पर यहाँ पर सिलेक्ट है, टू सी में मेरा इंटरनेट यहाँ पर कोई पैकेज नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिम वन करके ले लेना है, चेंज करके लेना है। तो इंटरनेट के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसका डेटा मैं सिम वन से चालू करता हूँ। हो सकता है कि आपका सिम वन से इंटरनेट चालू हो, सिम टू से इंटरनेट चालू है, तो दोनों आपको चेक करके ले लेना है। और सिंपल दोस्तों क्या करना है, ये हमारी फाइनल सेटिंग हो चुकी है। और तो अभी दोस्तों यहाँ पर हम लोग फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करके ले लेंगे, और वो स्टोरी हमारी यहाँ पर सेट हो चुकी है या नहीं हम लोग चेक करेंगे। देखिए यूअर स्टोरी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, आप लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर ये स्टोरी मेरी अपलोड हो चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग अपने फेसबुक की स्टोरी अगर नहीं लग रही है तो इस तरह से आप लोग सेटिंग कर लेना, कुछ दो तीन सेटिंग है वो आपको सही करके ले लेना है। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों बता देना कमेंट में, पसंद आए लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।